कांग्रेस एनसीपी की हमेशा से यही नीति रही है कि छोटे दलों को अंत तक दूर रखा जाए। बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट सुरेश माने ने गुरुवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा। माने ने कहा कि भाजपा और संघ परिवार किसी भी हालत में सत्ता में वापस नहीं आना चाहिए, इसलिए हम महाविकास आघाड़ी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है। इस चुनाव में महाविकास आघाड़ी की हमारे साथ साधारण चर्चा भी नहीं हुई है, अन्य छोटे दलों के साथ भी उनकी ऐसी ही भूमिका है। अंतिम चरण में गठबंधन उचित नहीं है, छोटे दलों को चुनाव के लिए मुश्किल से ही समय मिल पाता है तो यह गठबंधन के लिए खतरनाक हो जाता है। 15 मार्च को कांशीराम की जन्मदिन पार्टी ने नागपुर के इंदिरा मैदान में चुनावी सम्मेलन का आयोजन किया था। बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से आने वाले 15 मार्च 2024 को नागपुर के इंदिरा मैदान में बड़ी विशाल चुनावी महारैली का आयोजन पार्टी के माध्यम से किया है और इसी चुनावी रैली में पार्टी की तरफ से आगामी लोकसभा चुनाव इसको लेकर पार्टी की भूमिका जनता के बीच रखी जाएगी। ये भूमिका सिर्फ महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव तक सीमित नहीं होगी, बल्कि ये आने वाले लोकसभा चुनाव महाराष्ट्र के अलावा गुजरात, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये लगभग 5-6 राज्यों के आने वाले लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने वाली ये भूमिका BRSP के माध्यम से रखी जाएगी। इस रैली में प्रमुख अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट में मंत्री, इस सपा नेता और BSP के भी पुराने नेता स्वामी प्रसाद मौर्या जी है। दूसरे प्रमुख अतिथि है वो प्रोफेसर मोहम्मद सुलेमान जी है, जो इंडियन नेशनल लीग के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो पार्टी केरल में रूलिंग पार्टी का अलायंस है, और प्रोफेसर मोहम्मद सुलेमान जी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर भी है। इसके अलावा अन्य राज्यों से, गुजरात से 7 बार रह चुके विधायक आदिवासी समाज के छोटू भाई वसावा जी है। इनके अलावा 3 पूर्व सांसद उत्तर प्रदेश से इस चुनावी रैली में शरीक होने वाले हैं और BRSP आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर इन 6-7 राज्यों में कौन सा रोल अदा करेगी, लेकिन ये अदा करने के पीछे हमारी एक सेंट्रल रणनीति है जो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार, जिन्होंने देश के संविधान लोकतंत्र के साथ बड़ी खिलवाड़ की है, इनको सत्ता से बेदखल करना, ये एक पार्टी का एजेंडा है और उस एजेंडे के तहत भी आने वाले चुनावी दिन चुनावी राजनीति को तय करने के लिए पार्टी का एक एल्गार के रूप में ये महारैली का आयोजन किया है। इस रैली में आप सभी के अलावा पूरी महाराष्ट्र के जनता को मैं अपील करता हूँ कि ये एक टर्निंग पॉइंट वाली महारैली में आप सारे साथी शरीक होकर तन मन धन से सहयोग करें। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।